सारे पेरेंट्स हमसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछते हैं। इसका एक यही जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चा हमारे पास कब लाया गया है। कुछ बच्चे होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनको चलने में सिर्फ मसला होता है, बाकी उनका IQ भी सही होता है, उनका बैठना सब सही होता है, सिर्फ चलने में मसला होता है। तो हम उनकी हेल्पिंग एड बन जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि चलना किस तरीके से है। जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी होती है हमारे अंदर कि हमें पता है हमें बैठना कैसा है, हमें उठना कैसे है, हमें चलना कैसे है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको ये अल्लाह ने दी होती है लेकिन उनको मदद की ज़रूरत होती है। ऑफ्टन ये पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि कितने सालों या कितने महीनों में बच्चा बाकी बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह वो सारे माइलस्टोन अचीव कर लिया, कितने महीनों में या कितने सालों में वो सारी एक्टिविटीज़ कर लें जो बाकी नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं। सारे पेरेंट्स हमसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछते हैं, इसका एक यही जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चा हमारे पास कब लाया गया है, उसके अलावा उसका जो भी डिसऑर्डर है या डिजीज़ है वो किस सिवियरिटी का है। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ सेरेब्रल पल्सी के बच्चे होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनको चलने में सिर्फ मसला होता है, बाकी उनका IQ भी सही होता है, उनका बैठना सब सही होता है, सिर्फ चलने में मसला होता है। तो हम उनकी हेल्पिंग एड बन जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि चलना किस तरीके से है, स्टेप्स किस तरीके से रखने हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनके माइलस्टोन्स डिले हो रहे होते हैं, उनका दिमाग सही होता है, उनका IQ सही होता है, उनके आवाज, तो हम माइलस्टोन्स डिले होते हैं तो बस हम उन्हें हेल्प करते रहते हैं जब तक उनके माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो जाते। तो ये सब डिपेंड करता है कि बच्चा कब लाया गया है और उसकी जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो कितने सीवियर है। तो इट्स कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है, कोई डेफिनेट आपके पास वो टाइम पीरियड नहीं है कि कब तक बच्चा सही हो जाए। अच्छा डॉक्टर रिदा, मुझे ये बताइए कि जिन बच्चों का IQ कम होता है क्या वो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी इनके लिए हेल्पफुल होती है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी होती है हमारे अंदर कि हमें पता है हमें बैठना कैसा है, हमें उठना कैसे है, हमें चलना कैसे है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको ये अल्लाह ने दी होती है लेकिन उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो हम उनको एक चीज़ बार बार कराते हैं ताकि उनकी मसल मेमोरी हो जाए। मसल मेमोरी क्या होते हैं, हम एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं तो हमें आदत हो जाती है कि पेन को इस तरीके से पकड़ना और इस तरीके से पकड़ के लिखना है। तो उन बच्चों के मसल को मेमोरी, मसल मेमोरी के अंदर हम ये स्टोर करते हैं कि उन्हें बैठना किस तरीके से, कौन सा हाथ कहाँ रखना है, कौन सा, तो हम उन्हें पूरा सिखाते हैं। जैसे कि हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ने हमारे अंदर सलाहियत रखी होती है, हमें पता होता है हमें बैठना कैसे है, हमें खड़ा कैसे होना है। अब जिन बच्चों का IQ लेवल कम है हम उन्हें सिखाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जब बैठना है तो कौन सा हाथ कहाँ रखना है, कमर किस तरीके से रखनी है, खड़ा होना है तो किस तरीके से पाँव रखना है। हम उनको मसल मेमोरी देते हैं। मसल मेमोरी क्या होती है कि एक काम हम जब बार बार करते हैं तो वो मसल मेमोरी बन जाती है कि पेन को इस तरीके से ही पकड़ना है और इस तरीके से ही पकड़ के लिखना है। तो ऐसे ही हम जब उन्हें एक चीज़ बार बार करवाएंगे तो उनकी मसल मेमोरी बन जाएगी, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये याद होने लग जाएगा कि किस तरीके से उठना है, बैठते वक्त हाथ नीचे रखना है, खड़े होते वक्त पाँव नीचे रखना है, सर को अपना संभाल के रखना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बार बार करवाने से उनको ये मसल मेमोरी बनती है और मसल मेमोरी बनने की वजह से उनकी आदत होने लगती है। तो फिर जो उनका जो भी मसला होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लगता है।